हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारी एनसीईआरटी का जो साइंस का सीरीज चल रही थी उसमें हम कोश का संरचना एवं प्रकार, ये चैप्टर आठवां होगा और ये है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं कि इसमें इस चैप्टर में मेनली हम सेल्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं और इसमें हम क्या क्या बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम सेल्स की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक, सबसे पहले सेल को कब देखा गया था, किस में देखा गया था, ये सारी चीजें। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे सेल्स के नंबर्स के बारे में कि कितनी नंबर्स ऑफ सेल्स सजीवों में पाई जाती हैं। ठीक है, इनके शेप के बारे में भी बात करेंगे, इनके साइज के बारे में भी बात करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मैंने एक पीडीएफ फाइल दी थी ऑनलाइन, तो उसमें अभी जो ग्रुप टू और सब ग्रुप फोर का जो एग्जाम हुआ था उसमें से करीब मैं आपको बता देता हूं कि 30 से 40 क्वेश्चंस दोनों पेपर में हमारे एनसीईआरटी की जो वीडियोस हैं और जो पीडीएफ फाइल है इनसे टोटल इतने क्वेश्चंस, 30 से 40 क्वेश्चंस करीब उसमें आपके आए हुए। ठीक है, तो आगे भी अगर आप ऐसे रिस्पांस अच्छा करेंगे तो मैं आपको आगे भी इसी तरीके की पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कराता रहूंगा। और अभी हाल में मैंने एक करंट अफेयर, जनवरी के करंट अफेयर के एमसीक्यू, सिर्फ उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनका एक दिया है। बहुत कम प्राइस इसका रखा हुआ है, सिर्फ 29 प्राइस इसका मैंने रखा हुआ है। अगर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, उसकी लिंक मैं नीचे यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसमें केवल जनवरी के करीब 250-300 के आसपास एमसीक्यूज हैं और जो जनवरी के लेगा उसके लिए फरवरी की जो फाइल होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, और अगर आप इस पे अच्छा रिस्पांस करोगे, आपको अच्छी लगेगी फाइल, तो अब वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे मेल पे आप मुझे लिख के बता सकते हैं कि आपको ये फाइल कैसी लगी, तो उस फिर मैं फर्दर और उसको भी आपको पूरे साल का करंट अफेयर भी प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज के बारे में बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ द सेल की बात करते हैं। देखिए सेल क्या होता है, सेल का हम कंपेरिजन कर सकते हैं, हमारी जो घर है तो घर बनता है किससे, ब्रिक्स से, ईंटों से। ठीक है, तो सेल्स का कंपेरिजन हम ईंटों से कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपका एक घर बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स की नीड होती है, ऐसे ही आपका एक फुल बॉडी बनाने के लिए सेल्स की नीड होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बॉडी है, बॉडी किससे मिलकर बनती है, बॉडी मिलकर बनती है ऑर्गन्स से। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं शरीर के अंग। ऑर्गन्स किससे बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं आपके टिश्यूज से, जिनको बोलते हैं हम ऊतक। और टिश्यूज किससे बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं आपके सेल्स से। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होती हैं जो आपके टिश्यूज को बनाती हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, फिर आपकी एक कंप्लीट बॉडी बनती है। तो अगर हम डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं तो ये किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का एक नॉर्मल आवर्धन यंत्र, जिसको हम मैग्नीफाइंग, सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस जिसको हम बोलते हैं, उसकी सहायता से इसका अध्ययन किया था। एक्चुअली 1665 में मैग्नीफिकेशन जो था, माइक्रोस्कोप वगैरह जो थे उनका उतना ज्यादा, जिसको हम बोल सकते हैं कि टेक्निकली उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, मतलब उनका जो मैग्नीफिकेशन है वो बहुत कम हुआ करता था। तो सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस था उससे इन्होंने इसको अध्ययन किया था। ठीक है, अब जो कॉर्क होता है वो होता क्या है, पेड़ की जो छाल होती है उसका एक भाग होता है। तो सबसे पहले यहां पे दो पॉइंट आपके बनते हैं, एक रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, दूसरा कॉर्क के पेड़ की छाल, मतलब पेड़ की छाल जो कॉर्क है उसमें इसका अध्ययन इन्होंने किया था। ठीक है, और इन्होंने ये देखा था, ये सेल आप देख सकते हो यहां पे जो कॉर्क की कोशिकाएं हैं वो यहां पे इमेज में दिखाई दे रही हैं, इस तरीके से मधुमक्खियों का छत्ता जैसे होता है उसके जैसा ये था। तो इन्होंने जो छोटे छोटे यहां पे आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे से रूम्स दिख रहे हैं, जिसको हमें बोलना चाहिए, कुछ बॉक्सेस आपको यहां पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो बॉक्स जो है उनको इन्होंने कोशिका का नाम दिया था। तो नाम भी किसने दिया था, नाम भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब चूंकि क्या था कि जो ये जो इन्होंने देखा था, ये पेड़ की उसमें देखा था इन्होंने, प्लांट सेल्स के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो सजीवों की जीवित कोशिकाएं हैं उनको संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा गया। संवर्धित मतलब होता है इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप, क्योंकि उतने टाइम पे इतने अच्छे माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं थे, तो उतना ज्यादा अध्ययन इनके बारे में नहीं हो पाया। तो मतलब करीब 150 साल तक कोशिका के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब फिर जो मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप था, जब उसका मैग्नीफिकेशन, हाई मैग्नीफिकेशन हुआ उसका, मैग्नीफिकेशन बढ़ा उसका, तब फिर जाके आगे सेल्स के बारे में हमें
और ज्यादा जानकारी मिले, तो सजीवों के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता चलें। अब देखिए यहां पे हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। देखिए सेल्स होती क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे ही आपकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है आपकी ब्रिक एक बिल्डिंग को बनाने में, ऐसे ही एक बॉडी को बनाने में, एक ऑर्गन को बनाने में बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, अपने को एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि जैसे आपका जो मुर्गी का अंडा होता है हेन एग, ठीक है, ये एक एकल कोशिका होती है, मतलब सिंगल सेल होती है। ठीक है, ये होती है आपकी सिंगल सेल, और इसका जो शेप है वो बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण इसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, अनएडेड आईज से देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये ईंटों से बनी हुई एक दीवार है और ये आपका जो प्याज की झिल्ली होती है, ठीक है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ओनियन पील, ओनियन पील। ठीक है, ओनियन पील का यहां पे ये एक माइक्रोस्कोप में ऐसा देखा गया है, तो उसमें आपको ये सेल्स आप यहां पे देख सकते हैं इस तरीके से अरेंज रहती हैं, जिस तरीके से ईंट अरेंज रहती है उसी प्रकार से आपकी ये देखिए सेल्स भी अरेंज रहती हैं। इनके बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस होता है हर एक एक जो सेल है उनके बीचों बीच। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए अब हम बात करते हैं कोशिकाओं की संख्या के बारे में, उनकी आकृति के बारे में और उनकी साइज के बारे में, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स, उनका शेप क्या होता है और उनका साइज क्या होता है, क्या वो अलग अलग होती हैं, मतलब इस ये सब चीजों के बारे में यहां पे हम बात करते हैं। देखिए जब सूक्ष्मदर्शी की जब खोज हो गई थी, मतलब जो मैग्निफिकेशन पावर था सूक्ष्मदर्शी का, माइक्रोस्कोप का, वो जब बढ़ गया था, ठीक है, तो फिर इन सब चीजों के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिली। जैसे अगर आप एक देखें कि एक लंबा वृक्ष है, ठीक है, लॉन्ग ट्री और एलिफेंट, इनकी जो सेल्स हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, अलग अलग होती हैं, कितनी सेल्स होती हैं, एक सेल पाई जाती है या बहुत ज्यादा सेल्स पाई जाती हैं, ये सब चीजों के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए नंबर ऑफ सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम इसको नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है, दूसरा हम बोलते हैं यूनी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है इसमें नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा होती हैं, लाखों करोड़ों में होती हैं। यूनी सेलुलर मतलब इसमें सिर्फ एक सेल पाई जाती है। ठीक है, जैसे हम यहां पे एग्जांपल देखते हैं, ये आपका अमीबा है, ये आपका पैरामीशियम है, यहां पे ये यूनी सेलुलर होते हैं आपके, और यूनिसेलुलर मतलब इनके अंदर जो कोशिका है वो सिर्फ एक पाई जाती है। मल्टी सेलुलर जैसे हम, ठीक है, कोई जानवर है, कोई एनिमल है, ठीक है, मनुष्य है, इनके अंदर बहुत सारी करोड़ों लाखों कोशिकाएं पाई जाती हैं। हालांकि अगर हम यहां पे अमीबा की बात करें या पैरामीशियम की बात करें तो दोनों में जो नॉर्मल जो हमारे जिनको हम क्रियाकलाप बोलते हैं वो सारे पाए जाते हैं, जैसे अमीबा भी श्वसन करता है, अमीबा भी जो आपका भोजन को पचाता है, डाइजेस्ट करता है फूड को, एक्सक्रेट्स करता है, वृद्धि करता है, बढ़ता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। ठीक है, लेकिन बस सेल यहां पे सिर्फ एक पाई जाती है, बस यही इनमें अंतर होता है। मतलब जो कोशिका का जो नंबर है, नंबर ऑफ सेल्स से उसके क्रियाकलापों के ऊपर कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये अपने को पता होना बहुत जरूरी है। तो दो टाइप की आपकी सेल्स यहां से बन जाती हैं। अब देखिए, अब हम जैसे देखते हैं कि जो एक कोशिक जीव होते हैं जैसे अमीबा, ये भोजन का अंतःग्रहण करता है, पचाता है, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, ये सारी चीजें ये करता है। ठीक है, और जो बहुकोशिक जीव होते हैं उनमें ये सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं, और वो समूह क्या कहलाता है, वो समूह कहलाते हैं ऊतक, टिश्यूज। ठीक है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जो सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, और जो टिश्यूज हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे लीवर है हमारे अंदर, तो जो आपका लीवर है, लीवर किससे मिलकर बनेगा, टिश्यूज से मिलकर बनेगा, और टिश्यूज किससे बनेंगे, सेल्स से बनेंगे, ये सिंपल सा फंडा होता है। तो अमीबा में एक सेल के द्वारा ही सारा काम हो रहा है, हमारे अंदर लीवर तो उसमें अलग सेल होगी, आपका पेट है तो उसके अलग सेल्स होगी, हाथ पैर हैं तो उनकी अलग सेल्स होगी, आपका माइंड है तो उसके लिए अलग से सेल होगी, मस्तिष्क है। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं कोशिका की आकृति के बारे में। देखिए जैसा कि अभी हमने अमीबा को देखा, अमीबा के अंदर एक पादाभ पाए जाते हैं, ये जो कहलाते हैं आपके, ये पादाभ कहलाते हैं। ठीक है,
अब देखिए इनमें क्या होता है कि जो अमीबा की आकृति होती है वो अनियमित होती है, जैसा कि आपने इमेज में देखा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही अमीबा होता हो, कैसा भी किसी भी फॉर्म में अमीबा हो सकता है, कुछ भी इसका फॉर्म इस तरीके से हो सकता है, ये अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। ठीक है, अनियमित इसकी आकृति होती है, रेगुलर। ठीक है, और इसमें ये जो आकृति होती है इसकी बदलती रहती है, और इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रबर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं। प्रबर्ध जो होते हैं आपको, जिनको हम बोलते हैं प्रोजेक्शंस ऑफ बेरिंग लेंथ, ठीक है, इनको बोलते हैं हम पादाभ। पादाभ को इंग्लिश में बोलते हैं हम सीडियोपोडिया, PSEUDO PODI ए, सीडियोपोडिया इसको हम कहा जाता है, पी साइलेंट होता है इसमें। ठीक है, और इसमें जो इसके प्रबर्ध होते हैं ये अमीबा की गति के समय और भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी जो आकृति होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। ऐसे ही आपका जो WBCs होते हैं, हमारे रक्त में पाए जाने वाले, वो भी एक कोशीय संरचना का उदाहरण है, ये अपनी आकृति बदल सकते हैं। तो WBC भी क्या हुआ आपका, एक कोश का है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ये अगर हम WBC सेल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो और अमीबा से इसका कंपैरिजन करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, ये पूरा इंडिपेंडेंट एक पूर्ण विकसित जीव है। ठीक है, और WBC आपकी सिर्फ क्या है, ये सिर्फ सेल्स हैं आपकी। ठीक है, अब हम यहां पे बात करते हैं आकृति के बारे में। तो जैसे आपकी रक्त हो गई, पेशी कोशिकाएं हो गई, तंत्रिका कोशिकाएं हो गई, इनको हम यहां पे इमेज में देखते हैं, तो अलग अलग टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे आपकी जो ये RBCs की सेल्स होती हैं, मतलब RBCs होती हैं, एक गोलाकार इनकी आकृति होती है। ऐसे ही कुछ ये मतलब इस तरीके की सेल्स होती हैं जिनको हम तर्कुरूपी बोलते हैं, तर्कुरूपी या जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप में। ठीक है, स्पिंडल के शेप में ये रहती हैं। ऐसे ही आपकी ये वाली देखिए, आप इन सेल्स को, इनको बोल सकते हैं हम लॉन्ग ब्रांच्ड, और ये क्या है आपकी तंत्रिका कोशिका, मतलब क्या है, नर्व सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिकाओं की साइज और उनका शेप अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यही आपकी पूरी इतनी कहानी है। देखिए, कोशिकाएं लंबी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी। ठीक है, मनुष्य के मतलब शरीर के अंदर अगर हम बात करते हैं, और इसका काम क्या होता है, तंत्रिका कोशिका का, ये संदेश प्राप्त करके उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। ये सिंपल से इसका फंक्शन होता है। अब देखिए, जो आपका कोशिका का संगठक, मतलब विभिन्न संगठक होते हैं कोशिका के, वो सब एक झिल्ली के द्वारा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके द्वारा ये सब क्या होते हैं, परिबद्ध होते हैं, मतलब क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, इसको आप ऐसे सोच सकते हो, ये इससे बंधे हुए होते हैं। ठीक है, और ये झिल्ली जो होती है पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति भी प्रदान करती है। जिस प्रकार से झिल्ली होती है उसी प्रकार की आपकी क्या होती है, सेल होती है। तो ये क्वेश्चन आपका यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोशिका को आकृति कौन प्रदान करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, सेल मेम्ब्रेन हो सकता है, सेल वॉल हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं इसमें, चौथा, तीसरा ऑप्शन, और नन ऑफ दीस, ऐसे चार ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो कोशिका को आकृति कौन प्रदान कर रहा है, कोशिका को आकृति प्रदान कर रहा है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके अलावा जो पादप कोशिकाएं होती हैं, प्लांट सेल्स, प्लांट सेल में एक और अतिरिक्त आवरण होता है। ठीक है, वो अतिरिक्त आवरण क्या कहलाता है आपका, सेल वॉल कहलाता है, या इसको हिंदी में बोलते हैं हम कोशिका भित्ति। ठीक है, और यही कोशिका भित्ति होती है जो कोशिकाओं को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, आपकी जो बैक्टीरिया, जीवाणु की जो सेल होती है, वो उसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपके यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइज ऑफ द सेल्स की। तो देखिए, अलग अलग जो साइज है कोशिका का हो सकता है, जैसे सजीवों में कोशिका का जो साइज है वो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर, 10^-6 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मीटर्स, इस रेंज में भी हो सकता है, और कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। सेंटीमीटर मतलब मीटर का 100वां भाग, मतलब मीटर के 1 लाखवें भाग से मीटर के 100वें भाग तक भी ये हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो कोशिकाएं होती हैं वो अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, हमें सूक्ष्मदर्शी ही चाहिए होता है, और सूक्ष्मदर्शी द्वारा इनको बड़ा करके, आवर्धित करके
हम इनको देख सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसका जो साइज होता है वो 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, ये कौन है, ये बैक्टीरिया की सेल होती है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा ये आपको पता होना चाहिए, जो बैक्टीरिया की सेल है वो सबसे छोटी होती है, और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, और इसका साइज 170 mm by 130 mm होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी आपकी साइज कोशिका की होती है। ठीक है, तो अंडा भी आपका एक क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए कोई भी कोशिका का साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता। ठीक है, जैसे एक बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा होता है, और अगर हम एक छोटे से तुलसी के पौधे की बात करते हैं तो अब अगर हम सोचें कि उसकी सेल्स बड़ी हैं, नंबर ऑफ सेल्स उसमें उसके अंदर ज्यादा होती हैं। ठीक है, जैसे आपकी हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी होती हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोशिकाएं सबके अंदर वो ही पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो कोशिका का साइज का संबंध है वो उनके प्रकार से, उनके फंक्शन से है। जैसे आपकी तंत्रिका कोशिकाएं, तो तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी पाई जाती हैं और शाखान्वित होती हैं, मतलब ब्रांच्ड सेल्स होती हैं वो। ठीक है, और वह संदेश के स्थानांतरण का भी कार्य करती है, मतलब मैसेजेस को वो ट्रांसफर करने का इनका काम होता है। सिंपल सी बात है। अब देखिए कोशिका संरचना एवं प्रकार, यहां पे बात करते हैं हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। तो देखिए प्रत्येक जो अंग होता है वो पुनः छोटे छोटे भागों से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और ऊतक क्या होते हैं, एक समान कोशिकाओं का वह समूह जो एक विशिष्ट प्रकार करता है, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे हाथ की हम टिश्यूज की बात करते हैं। ठीक है, तो हाथ के जो टिश्यूज होते हैं वो एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होंगे, ऐसी सेम पैर की कोशिकाएं होती हैं, या फिर हमारे लीवर की जो सेल्स होती हैं वो एक तरीके की कोशिकाओं से बनती हैं, इस तरीके से ये चीज होती है। ठीक है, तो बाकी और चीजें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पे आप देखिए, यहां पे अब हम बात करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ द सेल्स के बारे में। तो वैसे यहां पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको पार्ट्स ऑफ द सेल्स, यहां पे इतने सारे पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में हम फर्दर आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यहां पे हम एक क्लास 8th की आपकी एनसीईआरटी, यहां पे हम इनको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पे हम मेनली बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, और इसके अलावा आपका न्यूक्लियस के बारे में। ये मेन जो आपका होता है, ये तीन ही पार्ट होते हैं किसी भी कोशिका के, मतलब बेसिक कंपोनेंट जिनको हम बोलते हैं वो सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इतनी चीजों के बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। बाकी फर्दर जो क्लास 9th और क्लास 10th की जो आपकी 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उसके बारे में हम इन सब चीजों के बारे में वहां पर डिस्कस करेंगे। वैक्यूज, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, थोड़ा बहुत इनके बारे में बताएंगे हम आपको, बाकी आगे ही डिस्कस करेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इतने पार्ट्स आपके सेल्स के होते हैं, लेकिन बेसिक जो पार्ट होते हैं वो तीन ही होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और आपका न्यूक्लियस। अब देखिए सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली की हम बात करते हैं। देखिए कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और एक केंद्रक जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब जो कोशिका द्रव्य होता है एवं केंद्रक होता है वो कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये पूरी आपकी एक पर्टिकुलर एक सेल यहां पर बन रही है, तो इसके अंदर जो भरा हुआ है, ठीक है ना, एक जेली लाइक जेली होती है, एक तरीके से जेल होता है जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो आपका साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर द्रव्य भरा होता है, ये इसके अंदर आपका न्यूक्लियस है जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये जो बाहर से ये जो पूरा स्ट्रक्चर इसका बन रहा है, ये स्ट्रक्चर किससे बन रहा है, ये स्ट्रक्चर है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और आपकी अगर प्लांट की सेल हो तो उसमें एक और बाहरी आवरण पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये सिंपल सा फंडा इसका होता है। ठीक है, अब देखिए कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी इसको जानते हैं, और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों नाम ही इसके हैं। ठीक है, ये सरंध्र होती है, सरंध्र मतलब इसके अंदर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोरस, पोरस। ठीक है, पोरस होती है, पोरस मतलब क्या हुआ, इसके अंदर रंध्र पाए जाते हैं, PORUS। ठीक है, ये रंध्र पाए जाने का क्या रीजन होता है, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर जो अलग अलग पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनका मतलब आदान प्रदान उससे होता रहे, मतलब विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। ठीक है, अब जैसे आप प्याज की कोशिका की यहां पे बात करते हैं, तो प्याज की कोशिका की सीमा जो होती है, अच्छा ये जो आपको यहां पे दिखाई जा रही है प्लाज आपकी प्याज ही की सेल है, ठीक है, इसकी सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो आपकी प्याज की कोशिका होती है। ठीक है, और जो एक दृढ़
एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोश का भित्ति कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? सेल वॉल बोलेंगे। ठीक है, कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है। ये वाली जो संरचना, इसको हम बोलते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस बोलते हैं। अब जो आपका केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, मतलब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। आप यहां पे देख सकते हैं मनुष्य का जो गाल है उसकी कोशिकाएं हैं। ठीक है, यहां पर भी देखिए आपको ये सेल मेम्ब्रेन यहां पे आपको मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन के अलावा केंद्रक जो होता है आपका न्यूक्लियस होता है, वो भी एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, उसको हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी कोशिका झिल्ली, बाहरी आवरण जो होगा कोशिका झिल्ली कहलाएगी, अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर भरा हुआ, और ये क्या है आपका केंद्रक है। ठीक है, अब देखिए जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आवद्ध करने वाली है अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सेल वॉल किसके लिए होता है? सेल वॉल होता है उन पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, किस चीज से सुरक्षा प्रदान करने के लिए? देखिए, टेम्परेचर हो गया आपका, ह्यूमिडिटी हो गई, मतलब एनवायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, उनसे इसको बचाने के लिए ये सेल वॉल उनके अंदर पाई जाती है। जैसे पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए वो इसमें पाई जाती है। ठीक है, और ये जरूरत क्यों है इसको? क्योंकि यह इन परिवर्तनों से प्रभावित है, क्योंकि वे चल नहीं सकते। अगर बहुत तेज हवा चलेगी तो पेड़ टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो चल नहीं सकता। आप घर में जाके छुप जाओगे अगर आंधी आएगी तो, पेड़ लेकिन नहीं चल सकते। ठीक है, इसलिए इनको ये स्पेशल चीज भगवान ने इनके अंदर बनाई है। ठीक है, और जो आपका कोशिकाओं का प्रेक्षण होता है उसको हम ट्रांडेस्केंशिया एलोडिया और जो रोइयों की पत्ती होती है उसकी झिल्ली में इसका किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में या कोशिका द्रव्य के बारे में। तो एक जेली जैसा पदार्थ होता है, कहां पाया जाता है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में। और कोशिका के जो अन्य संघटक होते हैं या जिनको हम कोशिकांग बोलते हैं, ठीक है, मतलब इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, ORGANELLES, ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, कोशिकांग, कोशिका के अंग। ठीक है, तो ये कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको आगे मेज में दिखाया था, गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम, ये सारी चीजें आपकी कोशिकांग, ये कहां पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आपका न्यूक्लियस, तो देखिए एक महत्वपूर्ण संगठक है सजीव कोशिका का, ये जनरली गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है, सेंट्रल पार्ट उसका होता है, और इसको सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जाता है। देखिए, अभिरंजित करना मतलब होता है इसको स्टेन देना या इसको डाइस प्रोवाइड कराना, मतलब इसको कलर करके, डाइस से कलर करके इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और जो आपका केंद्रक होता है कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं। ठीक है, इसको हम केंद्रक आवरण या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपकी सरंध्र होती है यानी पोरस होती है, और कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। मतलब केंद्रक के अंदर अगर हमें कोई पदार्थ को लेके जाना है साइटोप्लाज्म से, तो ये भी आपकी क्या होती है? पोरस होती है। ठीक है, और ये जो आपका है, ये जो आपके वंशानुगत और आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। ठीक है, वंशानुगत मतलब क्या हुआ आपका, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, आनुवंशिक मतलब जेनेटिक जो ट्रेट्स होते हैं, गुण होते हैं, उनको मतलब केंद्रक से ही वो कंट्रोल होते हैं, के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब जो आपकी सजीव कोशिका का जो समग्र संघटक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसके नाम से इसको जाना जाता है, और इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और जो जीव द्रव्य होता है वो कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा यहां से कि जो जीव द्रव्य है वो कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट है, आपने अगर देखा है कि जो प्याज की आपकी झिल्ली होती है उसकी कोशिकाओं को परीक्षण करते समय
कोश का द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनाएं जो होती हैं उनको कहा जाता है रिक्तिका। रिक्तिका या इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल्स, ठीक है, इनको बोलते हैं वैक्यूल्स। जो रिक्त स्थान दिखाई देते हैं इसको हम नेक्स्ट इमेज में देखते हैं। जो आपका ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पूरा रिक्त स्थान है, इसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। ऐसे इसके अंदर देखिए ये पाए जाते हैं, या ये एक्चुअली आपकी ये वाली जो सेल है ये प्लांट सेल है और ये आपकी एनिमल सेल है, ठीक है। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे दो, एक आपकी सेल वॉल भी है और यहां पे जो अंदर वाली आपको दिखाई दे रही है ये सेल मेम्ब्रेन है, इसलिए आपकी प्लांट सेल है। और यहां पे सिर्फ आपकी सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी एनिमल सेल है, ठीक है, ठीक है। और यह मात्र एक एवं बड़ी भी हो सकती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है। जो आपकी गाल की कोशिकाएं होती हैं उनमें अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं, मतलब जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में ये बहुत छोटी होती हैं, जैसे कि आपने अभी इमेज में देखा था, ठीक है, ठीक है। अब जो आपका ट्राडेस्केंशिया की जो पत्तियां होती हैं उसके कोशिकाओं में छोटी छोटी रंगीन संरचनाएं पाई जाती हैं। वो छोटी रंगीन संरचनाएं क्या होती हैं, ये पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी रहती हैं। छितरी रहने के मतलब क्या हुआ कि ये उसमें फैली रहती हैं, ठीक है, और इनको कहते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है, प्लास्टिड्स या प्लास्टिड्स, ठीक है। और ये विभिन्न रंगों के होते हैं, अलग अलग कलर में पाए जाते हैं। इनमें एक हरा रंजक उपस्थित होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और जो हरा रंग का प्लास्टिड होता है उसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, या जिसको हिंदी में बोलते हैं हम हरित लवक। और ये यही होता है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और यही आपका क्लोरोफिल होता है जो आपका फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें आपका यूजफुल होता है, मतलब अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पौधे खाना नहीं बना सकते, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं पादप और जंतु कोशिकाओं की अगर तुलना करते हैं तो हम इसमें क्या पाते हैं। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में जूम करके बताया गया है। ये कोशिका भित्ति है, जो सबसे आउटर जो होता है इसको बोलते हैं हम सेल वॉल। इसके अंदर जो होती है इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। लेकिन ये किसमें पाया जाता है, ये केवल पाया जाता है आपका प्लांट सेल में, ठीक है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, एनिमल सेल में पाई जाती है और आपकी प्लांट सेल में पाई जाती है। जो रिक्तिका होती है, वैक्यूल्स होते हैं, वो आपके एनिमल सेल में भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें वैक्यूल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसके एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं। केंद्रक दोनों में पाया जाता है और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं आपके प्लास्टिड्स या हरित लवक, मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ये सारी चीजें इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती, जबकि प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अगर हम यहां पे बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, बैक्टीरिया की सेल के बारे में बात करते हैं, तो इनका जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। ये सुसंगठित जनरली होता है, लेकिन बैक्टीरिया सेल के अंदर ही सुसंगठित नहीं होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली जो होती है वो अनुपस्थित होती है, और ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है वो कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको सिंपल सा कंपैरिजन बताया है, इसका कंपैरिजन अच्छा खासा है, मतलब सिर्फ कंपैरिजन ही अगर हम करेंगे तो कम से कम 15 से 20 मिनट इसको हमें कंपैरिजन पढ़ने में ही लग जाएंगे, तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार की जो जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपके जीवाणु और नीले हरे शैवाल होते हैं वो इसी का एग्जाम्पल होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं या नीले हरे शैवाल होते हैं वो आपके इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। जैसे प्याज की झिल्ली हो गई एवं गाल की जो कोशिकाएं हो गई, इनमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, ये क्या होती है आपकी यूकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जीन के बारे में, वहां मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था। देखिए जो जीन होते हैं ये सजीव में आनुवांशिक इकाई होती है, मतलब जेनेटिक जिसको हम यूनिट बोल सकते हैं, जेनेटिक यूनिट होती है। और यही जीन्स होते हैं जो आपके क्रोमोजोम्स में पाए जाते हैं,
ठीक है, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं और जीन्स ही होते हैं जो माता पिता से संतान के अंदर माता पिता के जो ट्रेट्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे यह जनक से संतति को, जनक मतलब होता है पेरेंट्स से लेके जो बच्चा उनका होता है उसको आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए, ठीक है, यदि आपके पिताजी की आंखें भूरी हैं तो संभव है कि आपकी आंखें भी भूरी ही होंगी। यदि आपकी माताजी के घुंघराले बाल हैं तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हों। तो सिंपल सी ये चीज होती है, ये जीन के कारण ही होती है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो चीजें जाती हैं, करेक्टरिस्टिक्स जाते हैं, वो इसी के कारण ही जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा था सेल्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही मैं आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।